गुड आफ्टरनून बच्चों, आज 12 के मैथमेटिक्स 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक करंट पर आधारित कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वे हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें हमने 3 न्यूमेरिकल का चयन किया है। पहला है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। तो दो सवाल हमने तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए आपके सामने लिया है और एक लिया है ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो आइए हम हल करते हैं। सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं। पहला सवाल आपका है, आप ये देख सकते हैं यहां पर ये है, यहां से इसको हम यहां पर प्रतिरोध लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ए, यहां बी, यहां पर सारे 4 ओम के प्रतिरोध है, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, तो 4 ओम का प्रतिरोध 4 ओम का प्रतिरोध। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी करंट ए से अगर यहां पर पास करेगी तो यहां पर आकर के दो भागों में बटेगी, कुछ इधर जाएगी कुछ इधर जाएगी, तो जो इसमें जाएगी ये दोनों क्या होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। तो आप लिखेंगे 4 ओम तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः ये आपका R1 बराबर 4+4, ये 8 ओम हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। R1 4+4 ये 8 ओम हो जाएगा। अब ये 8 ओम यानी R1 और ये 4 ओम श्रेणी क्रम में नहीं होंगे, समांतर क्रम में होंगे। R1 और 4 ओम समांतर क्रम में हैं। तो बच्चों ये दोनों अगर समांतर क्रम में हो जाएंगे तो R1/R2 बराबर, इसको हम 1/R1+1/4 लिख सकते हैं। आप देख सकते हो 1/R2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8+1/4, ये हो जाएगा 1/R2=8, लघुत्तम ले लीजिए 1+2, तो R2=8 हो जाएगा 8/3 ओम, 8/3 ओम R2 का मान हो जाएगा, R2 का मान 8/3, 4 8/3 और 4 ओम इसमें होंगे, क्योंकि 4 ओम R2 तथा 4 ओम श्रेणी क्रम में है। अतः R बराबर 4+R2+4, ये 8 प्लस हो जाएगा आपका 8/3, हो जाएगा 8 3 24 8 32/3 ओम इसका, ये पहले क्वेश्चन का तुल्य प्रतिरोध हुआ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, आसानी से इसको देख सकते हैं। ये आपका इस तरह का है, यहां पर आपका प्रतिरोध है, ये आप देख सकते हैं इसको ए बी सी डी, ये आपका दिया हुआ है ए बी सी डी, और सारे प्रतिरोध जो है वे ए आपके 3 ओम के, 7 ओम के, 10 ओम के, 10 ओम के, 30 ओम के, तो ये नीचे 30 ओम का है, ये आपका 3 ओम का है, ये आपका 7 ओम का है, और ये आपका 10 ओम, ये आपका 10 ओम, ये 10 ओम का है, ये भी आपका 10 ओम का है। तो
तो आप देख सकते हैं कि ए से अगर कोई करंट चलेगी तो यहाँ से कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी, लेकिन जो करंट इसमें से फ्लो करेगी वह करंट जो है इसमें और इसमें दोनों से जाएगी। तो इसका मतलब 3 ओम और 7 ओम क्या होंगे श्रेणी क्रम, क्योंकि 3 ओम व 7 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है। अतः R1 बराबर 3+7 बराबर 10 ओम। अब ये 10 ओम और ये 10 ओम क्या होंगे, R1 व 10 ओम समांतर क्रम में, अतः 1/R2 बराबर 1/R1+1/10 1/R2 ये हो जाएगा 1/10+1/10 1/R2=2/10 ये हो जाएगा 1/R2=1/5 R2=5 ओम। अब ये R2=5 ओम जो हो है आएगा यह और 10 ओम और ये 30 ओम 10 ओम के क्या होंगे श्रेणी क्रम में होंगे, क्योंकि 5 ओम तथा 10 ओम श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। तो बच्चों R3 क्या हो जाएगा 5+10 ओम, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 15 ओम आ जाएगा, आ जाएगा। इधर हम जगह बनाते हैं इसके लिए और देखते हैं ये बच्चों R3 है। अब ये R3 और 30 ओम, क्योंकि R3 व 30 ओम R3 और ये 30 ओम किस क्रम में है समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा अतः 1/R=1/R3+1/30 1/R=1/15+1/30 1/R=30 2+1 1/R=3/30 1/R=1/10 यानी R=1 हो जाएगा 10 ओम, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम। तो इसका तुल्य प्रतिरोध आया 10 ओम। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम दूसरा क्वेश्चन ले सकते हैं, ये आपका दिया हुआ है इस तरह से 2 एम्पीयर की धारा फ्लो कर रही है, एक आपका सर्किट है और इसमें ये आपका 2.5 ओम है डी, ये 6 ओम 6 ओम 3 ओम। अब आप देख सकते हैं ये दोनों 6 ओम की जो प्रतिरोध है वो किस क्रम में होंगे, क्योंकि 6 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/R1=1/6+1/6 1/R1=2 हो जाएगा 2/6 ये हो जाएगा 1/R1=1/3 यानी R1=2 हो जाएगा 3। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं आगे, R1=2 हो जाएगा 3 ओम। ठीक है बच्चों, अब ये R1 और 3 ओम, क्योंकि R1 व 3 ओम समांतर क्रम में हैं,
समांतर क्रम में है बच्चों, इसलिए 1/r2 जो हो जाएगा 1/r1 + 1/3। इसको आप देख सकते हो 1/r2 = क्या होगा, r1 की वैल्यू 1/3 है, 1/3 + 1/3 कैलकुलेट करो 2/3, यानी r2 = 3/2, 1.5 ओम हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हो इसका तुल्य प्रतिरोध किया हुआ 1.5 और ये है 2.5 ओम, क्योंकि R2 व 2.5 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है बच्चों। तो R = क्या हो जाएगा, R2 + 2.5, ये हो जाएगा 1.5 + 2.5, ये हो जाएगा 4 ओम। 4 ओम का प्रतिरोध ऑलरेडी इसका तुल्य बन रहा है, 2 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो ओम के नियम से हमको मालूम है कि V बराबर I × R, तो I 2 है और 4 ओम है, इसका मतलब इसका विभवांतर क्या हुआ, 8 वोल्ट हुआ। यानी यहां और A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वह क्या होगा, 8 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इन्हीं के साथ हम इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, अगले दिन किरचॉफ के नियम को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।